Thank you.
कोई पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं और रहने का मैंने कोई
करना है, इसलिए घर बार छोड़ दिए, बोले चलो बाबा बन जाओ, बस भाई भीख मांग करके अपना जीविका निर्वाह भीख मांग करके। कुछ कुछ लोगों का हमारे भारत में विशेष करके लोगों का धारणा यही था, यही धारणा है। इसलिए लेकिन जब हम लोग आकर के सुनते बाबा रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके घर में इंद्र के बराबर इंद्र के पत्नी कैसे अप्सरी जैसे पत्नी साधारण नहीं, लेकिन जब महाप्रभु की भक्ति में जब वो प्रेम में पागल हो गए ना, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु के पास में बारंबार आना चाहते, इतने में उनकी उनको बार बार लेकिन उनको पिता की बार बार पकड़ पकड़ कर ले जाते। एक समय उनकी जो माता जी थी उनको पिताजी को बोल रहे, बोले क्या कर रहे हो, ये बार बार भाग जाता है, पकड़ पकड़ लाते हो, ये क्या सब नाटक कर रहे हैं। उसको पैर में लोहे की झंझरी में बांध कर रख लो, ये भाग नहीं पाएगा। तब उनके पिताजी कहते देख जगत में दो ही चीज है जो जीव को संसार का बंधन का कारण बनता है, पहला नंबर है पैसा, वैसे पहला नंबर है पैसा और दूसरे नंबर है स्त्री। कहते ये जीवन का श्रृंखल है, ये जीवन का श्रृंखल है। अब देखो कहीं पुरुष जब तक शादी नहीं करता है ना, देखना तब तक इधर उधर तो ढूंढता रहता है, लेकिन जब शादी कर ले तो ढूंढ पाता है, कहीं निकल तो निकलना तो पहले पत्नी की चिंता करना पड़ता है, पत्नी की पहले चिंता करना पड़ता है, कहाँ जाओगे पत्नी घर नहीं, अभी ऐसे ढूंढ नहीं सकते हो, है कहीं भी जाएगा ना, कहीं विदेश का भी जाएगा, फिर उसको पकड़ कर खींच करके घर में ले जाएगा, पैसा क्यों कमाए, पत्नी के लिए बच्चे के लिए है। कभी ये जीवन का श्रृंखल है, कभी इनको पास में जो साधारण जो जंजेगी यदि जड़ वस्तु ये क्या बांटेगा, लेकिन हमारे पास में इतने पैसा और पत्नी बड़ी सुंदरी, जब ये साधारण वस्तु को बांध नहीं सका भैया, ये जड़ वस्तु जो लोहे की जंजीरें उसको क्या बात करते हैं। इसलिए चैतन्य जो बातूर ताकि केर आखिर दे पाए, तो उनको कहते हैं कृष्ण प्रेम में जो पागल बना है ना, जगत में इसे कोई बंधन नहीं उनको बांध सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी को जो नवाब उस समय उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए भारत के लिए लड़ाई हो रही है, अब इलेक्शन के बाद पता चलता कि गद्दी को कौन प्राप्त करेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, हैं मोदी इधर, राहुल उधर, ममता उधर, मायावती उधर, अखिलेश उधर, ये सब सब ये पोस्ट के लिए हैं, और अंदर अंदर में कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने लोग अंदर अंदर में तैयारी होते होंगे। लेकिन उसी समय में सनातन गोस्वामी कृष्ण का वो ये थे प्रधानमंत्री, लेकिन अभी आपको पता होगा प्रधानमंत्री पद के अंदर अंदर करोड़ों करोड़ रुपया अंदर अंदर बांटते हो, वोट हमें दे दो, वोट हमें दे दो, अंदर अंदर में इतने पैसा जिसका कोई ठिकाना नहीं, अरब खरब रुपया अंदर अंदर देते होंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ने के लिए ये लोग पाने के लिए क्या कर रहे हैं, पाने के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उन्हें छोड़ने के लिए पैसा कितने पैसा दिया, बोले 10,000 स्वर्ण मुद्रा, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा। अभी एक तोला सोने का कितना कीमत है, 30 को 10,000 के साथ में इंटू कर दो कितना होगा बता, कितना होगा 30 करोड़। इसलिए उन्होंने कुछ समय में 30 करोड़ रुपया दिए, हमारी नौकरी कैसे छूट जाए, नौकरी कैसे छूट जाए, और हम वृंदावन जाए, वृंदावन जाकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
स्त्री, इसलिए श्री गीत गोविंद में है, इसलिए इसलिए सात दीपादी कौन सा श्लोक मानते बताए, उसमें से कहते हैं श्री बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं सात दीपादी चिंता न भगवती सर करे तर्क साहसी। इसमें कह रहे हैं अगर सचमुच से भगवान की जो प्रेम है उसमें कितने आनंद है, भगवान की भक्ति में प्रेम में इतने आनंद, उसमें इतने रस है, कहते कोटि ब्रह्मानंद नए तार एक दिन, कहते कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिद्ध, कृष्ण प्रेम में जो आनंद है उसमें जो रस है, हैं कहते उसमें जो आनंद है पर जो ब्रह्मानंद मिल करके भी कहते उसका एक बूंद को बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद श्री कृष्ण भजन में इतने आनंद है। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं वो उदाहरण देते हैं सभी का हृदय में एक एक आनंद है, एक नहीं सभी का हृदय में आनंद है, तब तो घर गृहस्थ में पड़े ये तो कोई संसार में पड़े से घर गृहस्थ में पड़े कुछ आनंद दुख तो है लेकिन बीच बीच में आनंद भी होते हैं, एक नहीं कहते संसार की जो आनंद कैसे जानते हो, एक उदाहरण दिया दुख तो दुख है लेकिन बीच बीच में आनंद कैसे उदाहरण दिया कि दंडे जने राजा जन नदी से चुकाए श्री हाँ श्री जगदानंद पंडित उदाहरण देते हैं संसार का आनंद कैसे, पहले जब कोई व्यक्ति चोरी बदमाशी करता था उसको क्या कहते थे बोले सो ले जाओ पानी में और गला पकड़ कर उसको डुबाओ, गले को पकड़ कर उसको डुबाओ पानी में, अब उसको डुबो करके रखते थे, अभी कितना समय पानी के अंदर में रहेगा, अभी वो छटपट 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 करता था, छटपट मरने वाला है ना, छटपट छटपट करता था, जब एकदम प्राय मरना मरने जा रहा है उसको थोड़ी सी ऊपर उठा दिया, बच गया मर जाता, लेकिन उसको ऊपर उठा अगर और कुछ रखना खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने जो पाप कर्म किया है उसने जो हाँ उसने जो बुरा कर्म किया फिर मर जाएगा तो उसको दर्द नहीं हो पाएगा, दर्द हो नहीं पाएगा इसलिए उसको थोड़ी सी ऊपर उठा दिया, क्यों प्रश्वास ले फिर पकड़ कर फिर डुबाया, उसी तरह संसार में कभी कभी ये माया है ना थोड़ी सी सुख दे देता है, क्यों अगर ज़्यादा दुख दे दिया ना सुसर में हो जाएगा, लेकिन इसका जो प्रारब्ध है उसने जो पाप कर्म करके आया उसको भोग नहीं भोग नहीं होगा ना, उसको तो इस जीवन में प्रारब्ध भोगना है, इसलिए कभी कभी उसको ये माया थोड़ी थोड़ी ही सुख दे देती है, कहीं सुख दे देती है, तो वो कहते हैं विश्व ब्रह्मांड भी जितने आनंद है सारे जीव का दर्द उसको एकत्रित कर दो, वो आनंद एकत्रित कर दो, हैं कहते भगवान की भक्ति में जो आनंद वो कितना कहते मानो एक अथाह समुद्र है, भक्ति में जो आनंद है वो एक अथाह समुद्र है, कहते अथाह समुद्र का जो एक बूंद पानी लो, भक्ति के आनंद एक समुद्र है उसका एक बूंद पानी लो, जो पानी लेकर के पानी मतलब उसका उदाहरण कहते विश्व ब्रह्मांड में जितना आनंद सारे आनंद को अगर एकत्रित कर लोगे ना विश्व ब्रह्मांड का सारे आनंद का है तो आनंद को भी कृष्ण प्रेमानंद आनंद का जो एक बूंद है उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण भक्त से इतने आनंद है इतना आनंद, इसलिए वो आनंद को उपलब्ध करने के लिए बोली भैया ये शरीर शरीर से नहीं कर सकते, ये शरीर से नहीं होगा, बोले क्यों जब वो इतने आनंद है वो शरीर सहन नहीं कर सकता है, बोले कोई एक रिक्शा वाला था उसने लटरी लगाया था, हम जो बच्चा था उसने एक रुपया की एक लटरी लगाई, उसका पहला प्राइस था 1,00,000 रुपये, रिक्शा वाला ने कई लटरी लगाया था उसको लटरी 1,00,000, उस समय अब तो बच्चा थे तो 1,00,000 रुपया का बड़ा कीमत था, वो छत के ऊपर में खड़ा हुआ था उसको पता चला मेरे गजन में 1,00,000 रुपया, वो इतने आनंद है इतने आनंद है इतने आनंद था वो आनंद सफल निचला छत के ऊपर टूट गया और अपना प्राण कर दिया, मतलब 1,00,000 रुपया की जो आनंद है ना
उसने साथ नहीं कर पाए। और कृष्ण भक्ति के जो आनंद है, इसलिए कहते हैं जो शरीर है ना, फिर आपको छोड़ना पड़ता है, भावावस्था के बाद में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो कृष्ण प्रेमानंद जो आनंद है, ये शरीर उसको आनंद को ले नहीं सकता। तो इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में, इतने आनंद, लेकिन अभी हमें क्यों आनंद नहीं आ रहा है? आनंद तो आ रहा है, दंत कथा में आ रहे हो, आरती में आ रहे हो, सवेरे जिस समय तुम गहरा नींद आती है ना, सवेरे आती है जब गहरा नींद, लेकिन आप लोगों ने उसी समय में सब छोड़ करके कहाँ रहे हो, मंदिर में आ रहे हो, आरती में आ रहे हो, तिलक लगाते हो, आनंद तो है, लेकिन आनंद है हमारे अंदर, लेकिन अभी वो पूर्णानंद अभी हमारे अंदर नहीं है। इसलिए उसमें जो श्रद्धा बताया दो तरह का है, एक तो लौकिक श्रद्धा और एक श्रद्धा है पारमार्थिक श्रद्धा है, एक पारमार्थिक श्रद्धा। इसलिए जो लौकिक श्रद्धा वो क्या होता है, यही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो पारमार्थिक श्रद्धा रूप में परिवर्तन हो जाता है, धीरे 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 यही श्रद्धा धीरे 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 धीरे। इसलिए बाद में हम कल सुनेंगे कैसे भक्ति में पहले बड़ा उत्साह आता है, उसके बाद में धीरे 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 हमारे गुरु जी कहते थे पहले जब हम भजन में आते हैं उसी समय में हमारी मन में जो उत्साह है, जब हम यहाँ भरे भी पहले पहले देखना जब कीर्तन कथा हो तो बहुत लोग आते थे, लेकिन अभी धीरे 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 कम हो कम हो, उत्साह नहीं किया बोले, पहले उत्साह फिर उसको धन तरना है, फिर वो थोड़ी पतला हो गया, फिर विषय शंकर आदमी हो गया वहाँ, हाँ ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती से आगे हम देख देते हैं, हैं भक्ति जगत में कैसे बड़े उत्साह रहता है जब सुने पहले तिलक लगा, घंटी माला, भजन रोज आरती आना, लेकिन धीरे 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 किए धीरे धीरे घटते घटते आते हैं। लेकिन मेरे गुरु जी कहते थे पहले भक्ति में जब आते हैं उसी समय में हमारी जितने उत्साह है, जितने उत्साह है, अगर लास्ट तक 1% अगर रह जाए, कितना रह जाए, हमारे गुरु जी का 1% अगर रह जाए ना, सब कुछ हमारे जीवन में धन्य हो गया, हमारे जीवन धन्य हो गया है जी, है। लेकिन क्यों, जो भक्ति ये कभी भी घटता नहीं, इसी जीवन में जो हम भक्ति करेंगे, इसलिए विदा कहती है ना, दीन दीन पड़त सवायो पायो दीने राम रतन धन पायो, कि भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति हर समय में बढ़ती है। इसलिए इसलिए त्रिविक्रम महाराज कहते थे, हमारे संप्रदाय त्रिविक्रम महाराज कहते थे तो देखो इसी तरह से एक जीवन को भगवान की भक्ति में स्थिर रखो, विशेष करके ब्रह्मचारियों को कहते थे, ब्रह्मचारियों को देखो किसी तरह से एक जीवन इसमें बिताओ, कि जो ये संसार है ना तुम्हारे लिए रिजर्व है, ये पहले यही करते करते कुछ दुनिया की किया नहीं, वो चार काम करते करते पहले आए, आहार निद्रा भय भाई, तो पता कौन सा जीवन में तुमने नहीं किया, स्वर मिला तो स्वर मिली, कुत्ता मिले तो कुत्ती मिली, गधा मिले तो गद्दी, कौन सा जीवन में तुमने नहीं किया, ये तो हर जीवन में तुम यही करते करते आए हो। इसलिए वो कहते थे भैया एक जीवन का स्टॉप करो, वो बोलते थे एक जीवन तो इसको बंद करो, हैं एक जीवन तो बंद करो जीवन को, इसलिए बंद कर क्या करो, इसी जीवन में भजन करो, वो विशेष करके त्यागी ब्रह्मचारियों का तुम्हारे लिए रिजर्व है, यही करते करते आया यही मिलेगा, इससे सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते थे चेत मैथुना दि गृह प्रति सुखम ही कुछ अब भागवत में कहते हैं कि जो संसार की जो दुख है ना सुख कैसे, जैसे खुजली होता है ना, वो खुजला में अच्छी लगती है, खुजला में अच्छी लगती है, लेकिन जब खून निकलता है ना फिर तो उसका उसका जो दुख है मरने का पहला तक भी वो दुख तुम्हें छोड़ेगी नहीं, थोड़ी सी तो खुजला दिया तुमने मतलब, तो संसार की जो सुख है थोड़ी सो संसार का पहले पहले लगता है सुख है, लेकिन जब संसार में बच्चे हो जाते हैं मरने का पहला तक भी ये दुख नहीं छोड़ता है, बेटे का नौकरी नहीं, बेटे का शादी नहीं हुई, अभी
शादी हो गया तो घर में बहू आ गई, बात नहीं सुनती, लड़ाई झगड़ा हो गई, बच्चा की शादी नहीं हुआ, बेटी की शादी अलग हो गई, मगर जो कुछ में संसार कितना कितना टेंशन है ना, बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा अभी नौकरी नहीं है, अभी वहाँ पर गए, हर हर गर्देश में भगवान कैसे नाक में नथ लगा करके, कैसे रस्सी लगा करके वहाँ गए ना, जो खाया वही पछताया, जो नहीं खाया अभी पछताया, जो खा लिया बोले भैया आपने खाया क्यों, जो नहीं खाया ना एक बार खा कर देखे क्या। इसलिए सिद्धार्थ महाराज विशेष करके ब्रह्मचारी को कहते थे भैया ये तुम्हारे लिए रिजर्व है, ऐसे कौन सा जीवन नहीं जो किया नहीं, इसलिए बोले प्रवृत्ति रेसा होता ना निवृत्तिस्त माप, इसका मतलब है जो प्रवृत्ति जो मार्ग में है, जो प्रवृत्ति मार्ग में फल नहीं है, निवृत्तिस्त माप, निवृत्त मतलब कंट्रोल, निवृत्त मतलब कंट्रोल करना, प्रवृत्ति मार्ग में लाभ नहीं, निवृत्ति मार्ग में लाभ, निवृत्ति मार्ग में मतलब मन को कंट्रोल करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए, मन को धीरे धीरे धीरे, जैसे इसी जीवन में कोई ब्रह्मचारी बनू, ब्रह्मचारी बनू, इसीलिए दिव्य प्रभु महाराज कहते थे भैया इसी तरह से एक जीवन इसमें बिता दो, बिता दो ना, इस जीवन में क्या होगा, हमें जो ये सब चीज लगता है ना, सगर उठे आरती किया, कीर्तन किया, भजन किया, देखो सगर जैसे साढ़े चार बजे उठे, साढ़े चार बजे से लेकर के जैसे उठे ठाकुर का आरती हुई, मंदिर का परिक्रमा किया, थोड़े समय बैठे ठाकुर का कथा सुन रहे, ठाकुर का नाम ले, कहते भैया ये साधारण चीज नहीं, इसलिए प्रभुपाद कहते थे राधा रानी का निकुंज मंदिर में ही क्या होता है, प्रभुपाद कहते थे कि क्या है गौड़ियों का माँ मेरे जो भक्तों का गृहस्थ भक्तों का जो घर क्या है, प्रभुपाद कहते थे राधा रानी की गोलोक वृंदावन के निकुंज में है, गोलोक वृंदावन में क्या हो रही है, वहाँ पर इतने सखियाँ ब्रह्म मूर्ति को उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके राधा कृष्ण की आरती करते हैं, जो हम आरती करते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण युगल बिनी, भजन में हमारे भक्ति प्रज्ञा के सब स्वामी महाराज ये गोविंद लीला मृत और कृष्ण भावना मृत व्रत है, उन्होंने वहां से दिए कैसे सखी मंजरिया सवेरे सवेरे उठ करके क्या करते हैं, ठाकुर जी की नहा धो कर तिलक लगा करके कैसे सुंदर सरोवर है, कैसे सुंदर कमल फूल किए हुए, कैसे भिन्नी भिन्नी सुगंध भी आ रही है, कोयले कुहू-कुहू कैसे कर रहे हैं, मयूर कैसे केका कर रहे हैं, राधा कृष्ण कैसे विश्राम कर रहे हैं, और मंजरिया उनको धीरे धीरे जो कीर्तन करते करते उनको कैसे जगा दे हैं, और कैसे उनका आरती करते हैं, कैसे कैसे आरती करते हैं, कि जितने गोलोक वृंदावन जो हो रहे ना, प्रभुपाद कहते हमने गौर मठ नहीं गोलोक वृंदावन तो नहीं ना, ये प्रैक्टिस है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से सिंसियर होकर प्रैक्टिस करेंगे ना, बस उनको प्रिया नौ नौकर उनको वहाँ पर, इसलिए श्री नरतमदास ठाकुर कहते हैं साधन करीब जहाँ सिंचित पाए, ये गौरी मठ नहीं ये राधा रानी की निकुंज महल है, निकुंज महल है, इसलिए प्रभुपाद ने सब नियम रखे ये प्रैक्टिस करें, यहाँ पर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इतने जैसे वहाँ पर भी हरि चर्चा होती है, हरिकथा कीर्तन होता है, जैसे मंदिर हमने परिक्रमा किया, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ माधव मोहन श्याम कोट राधा कुंड गिरि गोवर्धन काली बीज मुना जय जय माधव, ऐसे नरतमदास ठाकुर ने ऐसे एक कीर्तन उन्होंने लिखे, जो एक कीर्तन आप करोगे ना
पूरा तुम्हारी वृंदावन वास है। इसलिए तिष्ठन ब्रजे तदात रागी जनानगामी, भजन कैसे करो वृंदावन में जाकर की, भजन कैसे करो वृंदावन में, अगर सब वृंदावन में चले जाएंगे तो घर कैसे चलेंगे, हम तो श्री बाबा थोड़ी हम पर वृंदावन करवा चाहिए। तिष्ठन ब्रजे, अगर शरीर से नहीं रह सकते हो तो मानसिक रूप से रहो, अगर ये कीर्तन किया ना पूरा वृंदावन किया ना हार पूरा राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज नंदगा वर्षण सब एक भजन में सभी आता है सार आ गए, और जहाँ हमारे चिंतन है ना हम वहीं रह रहे हैं। इसलिए लगता है बड़ौत में रह रहे हैं, लेकिन अगर उनका नाम कीर्तन भजन कर रहे हैं ना हम बड़ौत में नहीं हम वृंदावन में। लेकिन कोई रहता है वृंदावन में शरीर से लेकिन उसका मन कहीं इधर उधर है वो वृंदावन में नहीं रहता, क्या वृंदावन में बुद्धे बदमाश नहीं, चोर बुद्धे बदमाश कितने हैं, कितने लक्के भी घूम रहे हैं वृंदावन में, क्या उनको वृंदावन पास हो रहा है नहीं हो रही है, लेकिन आप बड़ौत में रहते हो ये वृंदावन में रह रहे हैं, ये प्रभुपाद का विचार है। इसलिए प्रभुपाद मेरे गुरुदेव पर तीन बटे, तीन बटे में एक नवद्वीप था और एक पुरी में और एक श्री कलकत्ता में, तीन बट था। गुरुदेव पुरी तब जाते थे केवल रथ यात्रा में, एक महीना रथ यात्रा में जाएंगे भक्त लोग आते थे, और एक महीना कहते श्री नवद्वीप था, और दस महीना कहाँ गए कलकत्ता, बोले क्यों कारण क्या, बोले कारण है यहाँ पर भक्त लोग कथा सुनना, कलकत्ता में ग्रंथ छपाई महाप्रभु का प्रचार, लोग कथा सुनने आते हैं यहाँ पर, इसलिए गुरु जी वहाँ पर 10 महीना वहीं रहते थे, 10 महीना वहीं रहते थे गुरुदेव, क्यों महाप्रभु का सेवा ही मुख्य है, जहाँ पर हरि कीर्तन हरि कथा हरि नाम प्रचार हमारे प्रभुपाद कहाँ रहते थे, कलकत्ता में जाता रहता, भक्ति देता माधव गोसाई महाराज भक्ति बेड़ा स्थित गोस्वामी भक्ति बोलो जितनी जीवन देखो है ना जितने गुरुवर्ग ये सब के सब ज्यादा से ज्यादा कलकत्ता में बिताए, बोले क्यों बोले वहाँ पर भक्त लोग आते हैं चिंतन है हरि कथा है महाप्रभु की चिंतन है, अगर आप वृंदावन में रह रहे हैं लेकिन कीर्तन कथा प्रवचन प्रचार नहीं करो वृंदावन में, वृंदावन भक्तों के लिए वही जहाँ पर हरि कीर्तन हरि कथा हरि प्रचार है भगवान प्रचार वही पर ज्यादा यदि वही असली श्री वृंदावन धाम वही है, वृंदावन ऐसे करो रहने पर वृंदावन हो जाता है, ये मन कहाँ पर ये देखना हमारी मन कहाँ पर मन हमारी कहाँ पर, इसलिए यदि इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहा करते थे वो एक जीवन बिताओ किसी तरह से इसमें क्या होगा, एक जीवन बिताओगे तो तुम्हारी जो भोग वृद्धि स्टॉप हो गया, क्या हो गया ये स्टॉप तुम्हारी हो गई, हाँ स्टॉप तुम्हारी हो गई, इसलिए श्री विश्वनाथ जी ठाकुर जो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ लिखे ना इसलिए उन्होंने दिखाया साधक का जीवन ये सब आती है, पहले उत्साह पहले धर्म धरना ये सब चीजें आती हैं, लेकिन ऐसे करते 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 लाट में कई जगह स्थित हो जाती है, लाट में जाकर के ऐसे करते 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 करते, क्योंकि जैसे जैसे ये ध्यान घूम रही है अगर हम यहाँ से आप कर दिया लेकिन वो बंद नहीं हो जाएगा, वो बंद नहीं हो जाएगा, क्यों वो कुछ समय तो भूलेगी, क्यों उसको उसको प्रेशर है पहले से उसको प्रेशर है, इसलिए बंद तो यहाँ कर दिया झट बंद नहीं होगा, वो थोड़ी समय तो घूमते 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 बाद में बंद हो जाएगा। उसी तरह हमने जन्म जन्मांतर करते जो काम करते करते आए ना वो हमारे अंदर में कोई चीज पड़ी हुई, हम विषय भोग करते करते आए उसी जीवन में गए ये संसार विषय भोग करते करते आए, लेकिन हमारे अंदर में कोई छाप ही पड़ा जन्म जन्मांतर का वही छाप पड़ी हुई हमारे अंदर, इसलिए वो बीच बीच में जगेगा संसार की भावना आएगा, संसार की भावना आएगा धीरे 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 आएगा, क्यों करते करते वही आए, लेकिन अगर यहाँ से बंद हो गया ना आएगा तो है घूमेगा तो है लेकिन ज्यादा दिन नहीं ज्यादा समय नहीं घूमेगी, थोड़ी देर बाद में फिर वो बंद हो जाएगा। उसी तरह वो कहते थे और मेरे जो गुरुदेव कहते थे भैया
इसी तरह से एक जीवन मठ में रह करके जीवन को बिता हो क्यों हमें लगता है ना, अरे सगर उठे कितना भजन एक तो किया कि थोड़े तो ठाकुर के लिए रोशनी बना दिया माला बना दिया, बोले नहीं ये साधारण वस्तु नहीं। हम कथा सुना देना, जैसे कार्तिक महीना में किसी भक्त ने क्या किया, ठाकुर घर में दिया जलाया, वो दिया बुझने जा रहा था, चूहा ने तेल खाने के लोग आए, तेल पीते समय दांत को गति लग गई, वो पीछे हट गया, दिया हो गया तेल, उसको मुंह में आग लगते दो चार बार छलांग लगा ना, इतना किया। लेकिन ठाकुर जी देव कितने दयालु, बोले आज कार्तिक महीना में उसने दिया बुझने जा रहे थे दिया तेज कर दिया और उसने दो तीन बार छलांग लगाया, मतलब किया मेरे को दिया लगा तुम्हें उसने मिलते अगले जीवन में राजकुमारी। एक राजा रोज आकर के भगवान के मंदिर में पहुंचा लगा था रोज, एक व्यक्ति ने देखा भैया राजा उसको घर में इतने नौकर चाकर गए कि रोज ये मंदिर में आकर के रोज ये पूछा क्यों लगाता है, तो किसने पूछा तो रोज मंदिर में पूछा क्यों लगाते, बोले मेरे को पूर्व जन्म की बात याद है। बोले क्या है, बोले मैंने एक वेश्या को लेकर गद्दा काम करने के लिए जंगल में पहुंचा, लेकिन मेरे को पता नहीं था भगवान विष्णु का मंदिर है, उसके साथ में गद्दा काम करने के लिए मैंने वो मंदिर अपच कर था, गद्दा पड़ा हुआ था मैंने साफ किया, गलत काम किया, लेकिन ठाकुर मुझे कितने दयालु, एक बार विष्णु मंदिर को मैंने साफ की उसका फल मेरे को मिला, इसी जीवन में राजा बन कर ले जाते हैं। अगर हम भक्ति पूर्वक अगर रोज मंदिर को पोछा लगाए वहाँ पर तो गद्दा काम के पोछा लगाया तो राजा बना, अगर किसी जीवन में अगर मंदिर को पोछा लगाए ठाकुर की क्या नहीं। एक कबूतर ने प्राण त्याग कर रहा था, प्राण त्याग कर रहा था, वो छटपट छटपट आप देखना जब बर्तना छटपट छटपट करता है, किसने इसको मारा, लेकिन पंखों को फटफट करते 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 भगवान विष्णु का मंदिर था, उसने इसे करते 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 अंतिम समय भगवान की क्या हो गया, मंदिर की परिक्रमा हो गई, इसकी ठाकुर की परिक्रमा हो गई, उसको भगवत गति भी प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ जो प्रभुपाद हर गुरु वर्ग की जो मंदिर बनाया आपको लगता है अरे आए तो मतलब तिलक लगाए थोड़ा मंदिर में क्लिक कर दिया, आप सोच नहीं सकते इसके अंदर जो संस्कार हमारी हो रही है, हमारे हृदय में कोई संस्कार पड़ रही है, आप सोच नहीं सकते इसका फल क्या है, कितने इसकी महत्व है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अविक्रम नाश अस्ति कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी करता है ना, कोई मेरे लिए थोड़ी सी करता है त्रायते महत भया, महत भया मतलब क्या, उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त कर उसको अपना धाम में पहुंचा देता हूँ। इसलिए नह विक्रम नाशोस्ति भगवान के लिए जो थोड़ी बहुत कर रहे ना ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी ये चीज नष्ट नहीं होगा, केवल आप इसलिए कहते ना दीन दीन बड़ो राम पायो। इसलिए हमारे गुरु जी कहते भैया एक जीवन क्या करो इसी तरह से बैठ में रहते हुए जीवन बिता दो, इसी तरह से बिता दो ना संस्कार बन गया, संस्कार बन गया, रोज उठो आरती करो ठाकुर का पूजा करो सेवा करो, अंदर में क्या हो रहा है तुम्हारे संस्कार धीरे धीरे बन रहा है, तुम्हारे स्वभाव धीरे 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 जो विकृति स्वभाव था संसार में हमारा जो स्वभाव खराब हो गया था यहाँ पर क्या हो रहा है वो सही स्वभाव में लग रहा है, ठाकुर पूजा उसका नाम कीर्तन भजन कीर्तन भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे बिगड़ा जो स्वभाव है ना वो धीरे 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 की बिगड़ा हुआ स्वभाव धीरे धीरे हमारे बनते जा रहे हैं और करते 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 लास्ट में इस एक लेकिन किस किस को कड़वा लगता है, बोले जिसको बोले जिसको जल्दी का बीमारी जिसका पीलिया हो गई, लेकिन मिश्री थोड़ी वो मिश्री उसको कड़वा लगेगा फिर क्या कहते नहीं, बोले अनु तीन जेना तब नाम गाई कर देख पाए तब अपराध जावे नामे रुचि हवे आस्वादी बनामा सब भक्तिमन ठाकुर कहते प्रभु प्रपंच कलिया अगति हया नादे की उपाय हार अगतिर गति चरण शरण
कथा में। इसलिए भक्ति मनोज ठाकुर कहते हैं प्रभु अभी हमारा जो स्वभाव विकृति हो गया है, लेकिन अनुदिन चेना तब नाम है। धीरे 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 ठाकुर का कीर्तन भजन करते करते क्रमे थे कृपया तब धीरे 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 अपराध जावे नामे रुचि अवे। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे अपराध खत्म हो जाएगा, भगवान का नाम रुचि हो जाएगी। फिर आस्वादिव नाम आस्वाद परम भगवान के नाम में मिठाएगा, भगवान के नाम में मिठाएगा। इसलिए ये पिछली कड़ुआ से फेंको मत, ट्रैक्टर पहले और कोई दवा नहीं होता था, बोलते भैया पिछली मीठा लगी तेरे को मीठा नहीं लग गया, बोले क्यों, तुमको जड्डी से तुम्हें अभी ये जड्डी से पीलिया बीमारी है, लेकिन ये मिश्री चूसा करना, लेकिन मिश्री में कड़ुआ लगी मैं छोड़ता नहीं, छोड़ना नहीं, चूसते रहना, चूसते चूसते क्या होगा, जब तुम्हारी जो पीलिया बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर तो मिश्री इतने मीठा लगेगा, इतने मीठा लगेगा, फिर मिश्री छिपेगी नहीं, तीन बार तुम मिश्री रखो या मिश्री किया, बोले भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। अभी अब कड़ुआ क्यों लग रहा है, बोले पाप हमारे, हमारे क्या है ये अपराध और ये पाप हमारी। इसलिए चित्त हल्ला वज्र सा, पिछले हृदय वज्र जैसे बन गया हमारी है, चित्त हल्ला वज्र सा, इसलिए हृदय वज्र जैसे हो गया। फिर क्या करना, नहीं लगने पर भी, इसलिए हम अभी अपराधा का भक्ति नहीं कर रहे, अभी जो भक्ति कर रही है वैद्य भक्ति। वैद्य भक्ति मतलब क्या, शास्त्र शासन को मान करके नहीं, अगर वज्र नहीं करोगे तो माया खड़ी है, चाबू के लिए कोड़े लेकर खड़ी हुई है मारने के लिए, वो तो तैयारी है। वज्र नहीं करोगे फिर तो संसार में डूबते रहोगे, संसार की कोड़े खाते रहोगे, कोड़े खाते रहोगे। वो कहते ना जब लड़की शादी करती है रोती है, रोती रो रो कर जाती है अपना ससुर घर, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, वो किसकी बात समझ नहीं, रोती रोती इतने पति ने कहा क्यों रो रहे, चुप हो ना, बोले जीवन का पहला बार तो मैं ही रो गया, अभी जिंदगी कर तेरे को अभी तेरे को नहीं रहना, क्यों रो गया अभी तेरा रोना तो खत्म, अब तेरा रोना शुरू। इसलिए कहते माया तो चाबू को लेकर खड़ी हुई है, हैं भगवान से निकले और थोड़े उसको कोड़े मारते रहे। इसलिए जो माधुर्य का दूसरे ग्रंथ में उन्होंने यही चीज दिखाया, पहले श्रद्धा से दिखाया है, जैसे श्रद्धा का अवस्था में जीव का क्या स्थिति है, इसके अंदर में क्या क्या स्थिति आती है, क्यों इस ग्रंथ क्यों लिखे, हम जैसे बद्ध जीव के लिए, मुक्त जीव के लिए नहीं, वो तो भजन कर रहे, हम जैसे बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी हम भ्रमित रास्ता में चले जाते हैं, जैसे जीव भ्रमित रास्ता में नहीं जा करके धीरे 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 जीव कैसे भगवान की भजन में कैसे जीव लगे, किसी तरह से भगवान की भक्ति में कैसे लग जाए। इसलिए उन्होंने गुरुदत्त से प्यार मीटर है, जो माधुर्य कादम्बिनी करते प्यार मीटर है, प्यार मीटर क्या है, जैसे दूध में कितने पानी मिलाया और कितना दूध है ना, वो एक मशीन है, इसको डाल दो वो बता देगा इसमें कितना पानी कितना दूध है। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ को लिखे, हम कैसे धीरे 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 भक्ति में कैसे बढ़े, अगर कभी गलत काम करें तो बता दे, गलत नहीं ये भक्ति नहीं, ये मिलावट है, ये प्योर दूध नहीं, इसमें इतना पानी है, इतना पानी इसके अंदर में, खबरदार पानी को निकालो, प्योर दूध बना, प्योर दूध होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे माधुर्य का आदर्श ज्ञान में करे, हमारी भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है, ना हम कहीं और किस गलत रास्ता में जा रहे हैं, मार्ग पर आ जाओ, आते धीरे धीरे क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, जो कर हरे Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हाँ देखो एक समय जब प्रभुपाद थे ना, प्रभुपाद का समय एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आया, भागवत कथा सुनने के लिए आया, उसी समय प्रभुपाद का समय पर एक पंडित था जिनका नाम भागवत महाराज था, प्रभुपाद का नाम ही उनका नाम भागवत महाराज था, वो बड़ी विद्वान
कथा सुनने के लिए एक बहुत अच्छे अक्षर लिखे हुए, वो कथा सुनने के लिए आए, आकर के प्रभुपाद से बोले प्रभुपाद मेरे को आदेश दो, अमुक व्यक्ति बड़ा विद्वान है संस्कृत धुरंधर पंडित है, उनसे मैं भागवत कथा पढ़ूँ। प्रभुपाद ने कहा वो भागवत का भाव नहीं जानता है, भागवत सुनना है ना जा वैष्णव दास के पास में। वो एक व्यक्ति था जो इतना लिखा पढ़ा नहीं, तो दिन रात क्या करता था, खेती में काम करता था, हैं ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर साग का सब्जी बनाता था, खेती बड़े सुंदर बैगन का पेड़ में बैगन, और केवल दिन भर वो खेती का काम करता था, खेती का काम, और जो उसमें फल फूल होता था उसको ठाकुर को सेवा में प्रभुपाद के लिए माला बना करके प्रभुपाद माला पहना वैष्णव सेवा करता था। प्रभुपाद ने कहा भागवत कथा सुनोगे ना जा उसको पास में, वो जो खेती में काम करते ना वैष्णव दास उसको पास में जाओ। लेकिन उसको पता भैया ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ व्यवहार है, इसको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन दिन भर खेत में काम करता, लेकिन दिन भर मुँह में हाथों में काम और मुँह में ठाकुर का नाम सब समय भगवान के नाम होता था, और संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन इस मिठाई पद माला कोटि चंद्र सो शीतल केवल भगवत गौरांग बोलते केवल भजन बोलता था, केवल दिन रात संस्कृत में नहीं जानता था। जो बंगला में जो भजन है ना हरि हरे नम कृष्ण का मुंह में कीर्तन और मुंह में भगवान का नाम और तीन भर से प्रभुपाद बोले जाओ, वो जीवंत भागवत है, वो जीवंत भागवत उसको पास दे कथा सुना, उसको बता भैया दगमार कुछ नहीं जानता, लेकिन प्रभुपाद आदेश है, प्रभुपाद आदेश है। अभी वो गए उनको प्रणाम किया, प्रणाम करते उनके सेवक खड़े हो गए, उनको पता ही बड़ा विद्वान और बड़े नामी उस समय बड़े नामी पर खड़े हो गए। बोले क्या बात है, बोले प्रभुपाद ने आपके पास में हरि कथा भागवत कथा सुनाने के लिए सुनने के लिए भेजा है। बोले भैया मैं कुछ नहीं जानता, नहीं प्रभुपाद तो भैया आपको बात, फिर उन्होंने उनको फिर भगवान की कथा सुनाई, हाँ भगवान की कथा सुनाई। जो सेवा चीज है ना ये कितने महत्वपूर्ण है, एक होता है थियोरी काल और एक होता है प्रैक्टिकल काल, एक थियोरी काल एक होता है प्रैक्टिकल काल। जब कोई व्यक्ति हर समय भगवान की सेवा करना, भगवान क्या कहते हैं तेना लभ्य तस्य आत्मा विपुलते तेनुसार, कब वो ब्रह्म विद्या प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं से जाने जाने तेहु जनाई, भगवान जब कृपा करके किसको जनाते हैं वही व्यक्ति वो चीज को जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन भगवान कब वो व्यक्ति को ब्रह्म विद्या कब प्रदान करते हैं, जब कोई निष्कपट होकर के उनकी सेवा करे, जब निष्कपट होकर के सेवा करना उसके हृदय में जो तत्व ज्ञान सारे तत्व ज्ञान उसके हृदय में अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान हृदय से उसको भगवान उसको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा संस्कृत पढ़ गए बहुत बड़े विद्वान हो गए ये मत समझो हम बहुत संस्कृत पढ़कर विद्वान हो गए मतलब ये नहीं जो बात हमारे कुछ हो जाएगा, नहीं, जब जब उसके अभिमान में जब डूब जाता है, जब कभी गुरुवर्गों का जब कोई बड़े कोई एक मंदिर में आए संस्कृत थोड़ी पढ़ लिया, पढ़कर कोई जो पुराना वैष्णव था वो तो इतना संस्कृत नहीं पढ़ता जानता था, जब श्लोक बोलते थोड़े श्लोक सब गलत बोल रहा है श्लोक है, कभी कभी क्या होता है उसको वो दोस्त दिखाने लग जाते हैं, लेकिन वो भाव को नहीं देखते, वो किसी भाव से बोल रहा है मूर्ख बदती विष्णाय और विष्णव उभय तो समपुण्य भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भगवान भाव ग्रहण करते हैं, भगवान और कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए लेकिन जब हम भगवान की निष्कपट होकर सेवा करेंगे ना, भगवान कहते हैं कि बच्चों को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को बच्चा बना सकते हैं भगवान। इसलिए उन्होंने जब उन्होंने हरिकथा सुनाया ना, क्योंकि जो सेवा करता है भगवान की जो सेवा करता है ना उसके हृदय में रस है, एक अनुभूति उसका हृदय है, है? और जो रटन विद्या कुछ होता है जो रटा हुआ विद्या अगर सेवा नहीं करके वो रटे ही रटे उसका हृदय सूखा रहता है, हृदय उसका सूखा रहता है, कथा में ताकत नहीं है। लेकिन जैसे समझो जैसे रसगुल्ला है, जैसे रसगुल्ला
एक व्यक्ति ने सुना है रसगुल्ला भैया बहुत मीठा है और बड़ा टेस्ट है, एक व्यक्ति ने सुना। लेकिन एक व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया, एक सुना और एक खाया। अब देखना, जब एक व्यक्ति को बोले भाई रसगुल्ला कैसे, जो खाया है ना वो बोलते मुंह में पानी और रसगुल्ला बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन एक व्यक्ति को बोले सुना रसगुल्ला मीठा है, हाँ बोलेगा हाँ मैंने सुना है रसगुल्ला मीठा होता है, मीठा होता है, इतना बोले और कुछ नहीं बोले। लेकिन उसको खाया है मुंह में पानी आ जाएगा, बोलते कि उसने खाया है। उसी तरह भगवान की जो सेवा अगर निष्कपट से करेंगे, सेवा करेंगे निष्कपट से, भगवान उसका हृदय में अपने आप सारी वस्तु को स्फुरण करा, सारे वस्तु को उसके हृदय में स्फुरण करा। इसलिए हमें निष्कपट होकर के गुरु वैष्णव भगवान के हमें सेवा करनी चाहिए। जितना सेवा नहीं करो तो विवाह मिलेगी, सेवा करोगे तो फिर विवाह मिलेगी। इसलिए हमें किसी तरह से एक जीवन भक्ति जगत में रहते हुए एक जीवन गुरुवर्ग करके बिताओ, इस तरह से है बिताओ, इस तरह से एक जीवन भक्ति में बिता दोगे संस्कार रहेगा। ऐसे करोड़ों करोड़ जीवन हमारे गया है, एक जीवन नहीं, हमारी करोड़ों करोड़ जीवन संसार करते करते बीत गया। एक जीवन अगर हम उसको भगवान गुरु वैष्णव सेवा में स्टॉप हो गया, क्या हुआ तुम्हारे जो भोग खत्म एक बंद हो गया, फिर धीरे 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 आगे बढ़ गया। लेकिन अगर भोग करेंगे तो फिर गए कितने करोड़ों जन्म के बदल गए, गए नहीं गए हाँ, क्योंकि संस्कार अगले जीवन में वही संस्कार आप कर हमें संसार में भटकाते रहेगा। इसीलिए पिताजी गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Thank you.
श्रीला श्री श्रीला श्री श्रीलाम्मा